बर्तन ऐसे के फेंकलस हा? घर के का हालत हो गल जैसे यहाँ महायुद्ध भयल बा। दरवाजे कैसे खुला ला? चाबी तो हमारे पास हा। के पड़ी देखा ना कितना चोट लागल बा। हाँ मौसी सही कहा तू। चला चंदा उठा। हमरा की बहुत दर्द होता है, साथ नहीं किए। चंदा हम तो के कुछ हो ही ना दे। चला हॉस्पिटल। रुद्र हम्मा ये चोर प्रॉपर्टी के पेपर्स लेवे आयल रहल हो, जाके कमरा में देखता कि बाकी के सामान सब ठीक हो के ना। ठीक बामा। दीदी सब का होता कुछ समझ में नहीं क्या हो? हम जवान कुछ भी करे चाहत हैं सब होकर उल्टा होता। जब माधव बिया खातिर हाँ बोलन तो श्वेता बिहार से नकार रही। हमरा के तो लागता कि हमार पूरी जिंदगी प्रॉपर्टी के रखवाली करत करत बीत जाए। दीदी आप ऐसा काहे बोलत हैं? कौनो चिंता मत करें, सब ठीक हो जाए। बहुत हो गए, हम थक गए हैं बस। चंदा तू चिंता मत करा, सब सही हो जाए। आदि चुप हो जाए ना, प्रभु इतना काहे रोते हैं? देखिए हम एकदम ठीक गई। दादी अम्मा कहाँ है? तोहर अम्मा जरूरी काम से बगली के गांव में गई बाई, बोली है सांझ तक हम आ जाए। ओकरा के तो तोरा बारे में कुछ पता भी नहीं की। अच्छा बाकी वो यहाँ नहीं खे, नहीं तो के तो रो रो के बुरा हाल हो जा तोरा की देख के। शांत हो जाए दादी। दादी चुप हो जाए ना, देखिए ना अब हम एकदम ही ठीक है। माधव बाबू हमरा के राउर मंगनी में आए के बहुत मन रह, लेकिन हम ना आ पाऊनी। फोटो ना है का मतलब? फोटो ना है माधव बाबू? चंदा
मुझे अब कैसे निभाता बाबू? हमरा के उनका बहुत चिंता होता। चंदा बाऊजी ठीक है वो ना, तू सबके साथ अच्छा करे लो, पर भगवान मालूम ना थोड़े साथ ही बुरा काय करे लन, और हमने लोग कुछ ना कर पाए ले जा। माता बाबू, हम तो रहुआ के कितना बार कह चुके ले कि हम आपकी खातिर अपन जान भी दे सकते। हमरा के कौनो अफसोस भी ना होई। पागल हो गए लोग, ऐसा बात मत करो। हम तो के कितने बार मना कर लिया, ये सब मत बोला, सब ठीक हो जाए। मिलने का टाइम खत्म हो चुका है, प्लीज आप लोग बाहर जाइए, डॉक्टर का आने का टाइम हो रहा है। ठीक बा। चंदा तन को चिंता मत करिया, हमने के बाहर रही ए जा। अरे हम तोहरे के जोहत रह लिया, ये बतावा जीजा जी वाला बात पुलिस तक तो ना ना पहुंचल? नहीं, हम मौके से ही रफा दफा कर दे लियो। चलो बढ़िया काम कईला। दीदी हम आवत हैं, चलो तनिक हमारा संगे। तुहार भलाई एहन ह कि आपन शादी रोक द, नहीं तो हम ये वीडियो माधव के भेज दे। हम ये फैसला कैले बानी हम ये शादी ना कर। श्वेता हम तुमसे बात करे के चाहत है, तू हमारा तरफ देखत भी नहीं, कुछ बताओ तो सही। का बात है बेटा, तू रोवत कहे हो, बताओ तो सही। हमसे मजाक करे की जरूरत नहीं, कहा ही फाइल में हमरे बतावा। तू और राजा जोन जोन गुल खिलेले हो जाना, वो कर कच्चा चिट्ठा हुआ है मैं। अब कौनो भी कीमत पर माधव अपन कसम ना तोड़ी है, हमसे बेहतर माधव के कौन जानेगा। हमार यकीन कर, अब डरे के कोनो बात नहीं। जब तक सब बाहर से आइए तब तक हम माधव बाबू का सारा कपड़ा फटाफट प्रेस कर लिए, फिर सब तेरे खाते चाय नाश्ता पकौड़ा गर्मा गर्म बनावे के पड़ी। मैं तुझे जान से मारने आया हूँ। क्या बकवास कर रहा है? पीछे हट जा। ना तो ये गर्मा गर्म प्रेस है ना, तो हर तो हर चार दांत दे। कैसे चलाएगी? दांत तो निकला हुआ है। रुक जा। ये अभियंता गर्म हाँ
तू हमरा के जलावे की कोशिश कर ना, अब तोरा के खेला खत्म कर दे। वैसे रुद्र, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ तुमसे। अरे हाँ हाँ बोलिए, संकोच क्या कर रहे हैं बताइए तो। माधव का बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कुछ सोचा तुमने, कोई प्लान? चलो यही रुद्र है, गिरफ्तार करो इसे। गिरफ्तार कर रहे हैं हमको, कौन जुर्म किया हम बताइए, हमारा जुर्म? आने चलिए, सब पता चल जाएगा। अरे सर, आप इनको ऐसे पकड़ के कैसे ले जा सकते हैं? हम इन्हें ऐसे ही पकड़ कर नहीं ले जा रहे हैं, हमारे पास इनके गिरफ्तारी का वारंट है। दिखाइए। ले चलो। अम्मा अम्मा देखिए, पुलिस आई है, पकड़ के ले जा रही है हमको। अम्मा जल्दी आइए ना। बोले ना छोड़ो, कहाँ हो रहा है ये सब, छोड़िए उसको। दरोगा जी छोड़िए उसको, आपको पता है ना आप कहाँ खड़े हैं, किसके घर में और किसके सामने। हमको पता है कि ये घर किसका है, पर हमारे पास गिरफ्तारी का वारंट है। थाने चलिए, वहीं बात करेंगे। अरे कहा थाना चलिए, आपको क्या रुद्र वो चौराहे का लौंडा लपाटा लग रहा है, जिसको आप ऐसे ही उठा लेंगे? आप चलिए, हम आपके बड़े साहब से बात करेंगे। दरोगा साहब, सासाराम के एसएसपी से ना डायरेक्टर लिंक है हमारा, रोज बात करते हैं हम उनसे, उनसे कह के ना सस्पेंड करवा देंगे आपको। आपको क्या लगता है आपका जुर्म जानने के बाद एसएसपी साहब हमको छोड़ने का आदेश देंगे? गलत फहमी है आपकी, चुपचाप मेरे साथ चलिए, वरना जबरदस्ती करना मुझे भी आता है। बहुत हो रहा है दरोगा जी, छोड़िए उसको। देखिए कानूनी कार्रवाई के बीच में ना आए, आपका भी पक्ष सुना जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको थाना आना पड़ेगा। ले चलो इसे। ए, ए, अम्मा अम्मा बचाइए, इंस्पेक्टर साहब आप ठीक नहीं कर रहे हैं। अम्मा 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 बचाइए बचाइए अम्मा। रुद्र दीदी दीदी कुछ करी ना। दरोगा का इतना हिम्मत? अम्मा का फोन? हाँ माँ प्रणाम। माधव बेटा, पुलिस रुद्र को पकड़ के ले गया है। कौ? हाँ हमको तो समझे में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। अम्मा आप चिंता मत करिए, हम अभी आ रहे हैं। ठीक है। बात था अब रघुआ परेशान दिखा दे, सब ठीक तो है ना? पता है चंदा,
कभी कभी हमें ऐसे दौर से गुजरना पड़ता है जिसके लिए हम कभी सोचते भी नहीं हैं। और हमारे पास तरह तरह की परेशानियां लेकर मरी जाते हैं, लेकिन डॉक्टर की भी एक सीमा होती है जिसपे कभी कभी उनका भी बस नहीं चलता है। डॉक्टर अब का बात है, रवा के परेशान देख के हमरा के बहुत घबराहट हुआ था। बोली ना कहाँ हो गई? चंदा तुम्हारे पेट में जो चोट लगा था उसका रिपोर्ट आ गया है। और का डॉक्टर? चोट बहुत गहरी है, तुम्हारे गर्भाशय को काफी नुकसान पहुंचा है जिसकी वजह से तुम कभी माँ नहीं बन सकती। तुम्हारे कोख से कभी बच्चा जन्म नहीं ले पाएगा। सॉरी चंदा, हमें बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, एक डॉक्टर के हैसियत से तुम्हें इन्फॉर्म करना जरूरी था। पर चंदा तुम उम्मीद मत छोड़ना। क्या हुआ, तुम अपनी कोख से बच्चे का जन्म नहीं दे सकती हो? तुम्हें पता है ना कि साइंस कितनी तरक्की कर गई है, माँ बनने का और भी तरीका है। पर चंदा तुम हिम्मत मत हारना, भगवान पे भरोसा रखना, सब ठीक होगा। पर मौसा जी, पुलिस में जाने की क्या जरूरत है? हम लोग बैठ के भी बातचीत कर सकते थे, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग आपके पास हैं। मौसा जी, हम लोग चाहते हैं रुद्र और काजल की शादी करना। और इसी में हम दोनों परिवारों की भलाई है। क्या रुद्र काजल को खुश रख पाएगा? हाँ क्यों नहीं, कैसे? रुद्र के पास ना जमीन है, ना जायदाद है, ना बिजनेस है। वो हमारी काजल को कैसे खुश रख पाएगा? रुद्र जेल में सड़े या मरे, हम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। मौसा जी, हमारी जो भी प्रॉपर्टी है वो सब रुद्र की भी तो है। ऐसे नहीं, जब तक प्रॉपर्टी पर रुद्र का नाम नहीं चढ़ेगा तब तक रुद्र और काजल की शादी नहीं हो सकती। और ना ही हम पुलिस से कंप्लेंट वापस लेंगे। हमारी एक शर्त है, मान लो तभी ये शादी हो सकती है। कैसी शर्त मौसा जी? रुद्र की शादी से पहले तुम्हें अपनी शादी करनी होगी। शादी के तुरंत बाद तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा करना है रुद्र और काजल के नाम। रुद्र के नाम प्रॉपर्टी होते ही हम काजल की शादी रुद्र से कर देंगे। तुम श्वेता से शादी कर लो, तुम भी खुश, हम भी खुश। अरे वाह, जैसा हम सोचे थे बिल्कुल वैसा ही तुम किए राम निवास। हमारे फायदे का शुरुआत हो गया, एक पंथ दो काज। माधव का शादी श्वेता से हो जाएगा और रुद्र भी पुलिस के चुंगुल से छूट जाएगा, और तो और हमारे बच्चों को प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मिल जाएगा। एक बार शादी हो जाए फिर हम इस राम निवास को भी देखेंगे। एक मिनट माधव बेटा। श्यामू तुम पगला गए हो, चंदा के गुम होने से श्वेता का क्या लेना देना है? तुम खामखा का शक कर रहे हो। अरे भैया जी, शक करो की वजह। अच्छा एक बात बताई, वही दिना मंदिर में सब लोगन पूजा तोहर मंगनी खातिर इकट्ठा रहल हा, लेकिन वहाँ चंदा ना रहली, का बताई? श्यामू, चंदा हम ही लोगों के साथ घर से निकली थी, लेकिन वो मंदिर ना ही पहुँचली। अब मंदिर पहुँचे से पहले घर कैसे पहुँच गई? ना ही वो घरे आयल रहती
ना उनका के चोट लगल रहत और ना वो अस्पताल से गायब भइल होती। भैया जी तनी ठंडा दिमाग से सोच के देखी, सब करी आपस में जुड़ जाए, कुछ समझ में आयल कि नहीं? सोची सोची। भैया जी तू एक बार श्वेता से बात करके देखा, का पता श्वेता चंदा से ऐसा कुछ बोल देले होगी जेही खातिर चंदा के ऐसा कदम उठावे के पड़ल हो। भैया जी चंदा बहुते भोली हो, वो श्वेता के अपन दीदी माने ली, लेकिन श्वेता चंदा के अपन ब्याह में सबसे बड़ा रोड़ा माने ली। उनका के लगत है कि चंदे की वजह से ओकर शादी बार बार रुकत है। वो दिन बाबूजी भी तो चंदे खातिर फांसी पर झूल गए रहल, आगे ऐसा न होके यही खातिर श्वेता चंदा के यहाँ से जाए खातिर मजबूर कर दे ली। यो तो हो सकी ना, सोची ना। ना मां, हमें चंदा का ये लेटर मिला है, ये लेटर पढ़ने के बाद साफ साफ पता चल रहा है कि चंदा पर ये गांव छोड़ने का दबाव बनाया गया है। क्या कह रहे हो, ऐसा कौन करेगा? पता नहीं अम्मा, पर अगर हमें पता चल गया ना तो हम क्या कह रहे हैं, हम उसको छोड़ेंगे। और हाँ अम्मा एक बात और, जब तक चंदा मिल नहीं जाती है ना, हम श्वेता से ब्याह नहीं करते। भैया जी हमने लोगों के चंदा के लापता होए के रिपोर्ट पुलिस में करेगा चाहिए। सही कह रहे हो श्यामू, सही कह रहे हो श्यामू, पुलिस में रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, रिपोर्ट करना ही जी ने सच में ऐसा बोला है? हमारे बात में विश्वास नहीं है ना, तो जाइए ना, खुद ही पूछ लीजिए, पता चल जाएगा। हमको रुद्र के बात पे 100% भरोसा है। दादा रे दादा, माधव का गुस्सा भी हम देखे हैं। बस करो तुम लोग सब किटर पिटर, हम बात करेंगे माधव से। अरे रहने दीजिए अम्मा, कोनो फायदा नहीं। अरे माधव भैया पगला गए हैं उस चंदा के पीछे, अरे उनके लिए अपनी शादी से ज्यादा उस चंदा इम्पोर्टेंट। पर हमको तो ऐसा लगता है कि वो श्वेता से शादी नहीं कर। इसका मतलब ये है कि माधव अपना जिद पे अभी भी अड़ा हुआ है कि जब तक चंदा नहीं मिल जाती शादी नहीं करेगा। तुम सब अभी हाइपर मत हो, अपना दिमाग को ठंडा रखो, नहीं तो सब बना बनाया प्लान चौपट हो जाएगा। हमरे पास जो एक मौका है ना ये प्रॉपर्टी को हासिल करने का, वो हाथ से चला जाएगा। सब शांत रहो, हमको एक बात नहीं समझ आ रहा कि चंदा गायब कहाँ हो गई? दीदी वो गांव छोड़कर चली गई।
चाचा आप लीजिए बेटा। चंदा हम जानते हैं तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, पर बात ही इतनी जरूरी है इसलिए हमें आना पड़ा। क्या बात है चाचा, बोली ना। माधव के बारे में। माधव बाबू के बारे में? कहाँ भाई चाचा, माधव बाबू ठीक था ना? माधव को कुछ नहीं हुआ, बस बात दरअसल ये है कि हमें ऐसा लगता है जब तक तुम यहाँ रहोगी माधव श्वेता से शादी नहीं करेंगे, और माधव की भलाई श्वेता से शादी करने में ही है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि तुम इस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चाचा अब प्लीज हाथ मत जोड़ी ना। चंदा अब माधव की भलाई तुम्हारे हाथ में ही है, बलदेव हमसे एक बार पूछ लिए होते। दीदी इस रोज के किचकिच से हम बहुत परेशान हो गए, इसलिए मजबूरन में हमको ये फैसला लेना पड़ा। इससे भी बड़ा परेशानी का बात ये है कि जब तक चंदा नहीं मिल जाती माधव श्वेता से ब्याह नहीं करेगा। आंटी जी अगर पापा जाकर माधव जी को सब सच बता दे तो? ठीक है बलदेव, कोशिश करके देख लो। लेकिन अगर माधव मेरे ऊपर भड़क गए तब? भड़केंगे तो हम देखेंगे, हम है ना, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, जब तुम माधव से बात करोगे तो माधव के यही लगना चाहिए कि तुम जो कुछ भी किए हो चंदा की भलाई के लिए किए हो। ठीक है ना? ठीक है दीदी, मैं सब समझ गया।